Hello guys and welcome back to the channel. अभी आज का जो वीडियो है वो अलग होने वाला है, बस उतना मेरे ख्याल से क्या होगा वीडियो में मुझे भी नहीं पता, बस आप लोग देखते जाओ और मैं जो भी आगे जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और बेसिकली मैं आपको थोड़ा बता दूँ, अभी हम जा रहे हैं फिलहाल ये है दाओ तलवार और अभी हम जा रहे हैं कि जंगल के अंदर, और जंगल में जो भी चीज़ मिलेगा वो हम लेके आएंगे जंगल से, और जंगल में क्या क्या मिलेगा वो तो कंफर्म नहीं है। हमारे साथ दो कुत्ता है और हम क्या करता है बेसिकली कुत्ते को जंगल में लेके जाते हैं और वो कुत्ता वो पकड़ लेता है और बाद में हम उसको लेके जाते हैं। अगर आज का वीडियो में ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा और अपडेट भी करता हूँ। ये क्या है भाई, अभी लगभग हम 10 या 15 मिनट तक चल रही है, अभी कोई कुछ भी ट्रू मिला नहीं और अभी पहुंच गया है एक जूम पर, कल्टीवेशन पर। ये देखो इसका जो टेम्पररी बसेरा है यहाँ पर है, ये है मेरा मामा, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर शायद 2-3 घर है। यहाँ पर भी एक घर है और यहाँ पर भी एक है। ओह मालूम दे चुके भाई। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ये है एक पैरट और ये आप तो जानते होंगे इसको। ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जंगल से लेके आकर यहाँ पर पालते हैं और यहाँ पर खाना देते हैं, बाद में इसको बातें करना आता है। अभी तो बातें करना आता नहीं, बस अगर उंगली मिलेगा तो काट देगा, बस यही है हमारा जी। आप चकमा कम्युनिटी में कहीं भी जाओ, भी जो ऐसे ही चकमा कम्युनिटी के रूरल एरियाज पर आप जूते पहनो या चप्पल पहनो, आप पहले आपको घर उठने के पहले आपको जो चप्पल है वो बाहर मतलब छोड़ना पड़ेगा और बिना चप्पल का आपको बिना जूते के घर में घुसना पड़ेगा। यही चकमा कम्युनिटी है। अभी हम जा रहे हैं और कहीं जंगल के अंदर, अभी जो मामा का घर है उसको पीछे छोड़ दिया है। ये देखो यहाँ पर है मामा का घर और इस साल क्या हुआ, जो बारिश है, बारिश ना होने के कारण अभी यहाँ पर जो धान वगैरह है एकदम सोता सोता है। लगभग मई से बारिश स्टार्ट होता है, इस साल क्या हुआ जुलाई से जो अभी बारिश स्टार्ट हुआ, इसी कारण लोग जल्दी धान उगा नहीं पाया, इसी कारण जो जूम कल्टीवेशन है वो उतना मेरे ख्याल से इस साल फसल उतना से अच्छा नहीं होगा।
तो दान है कुछ इस तरह का हो गया है। अभी लगभग एक या डेढ़ महीने के बाद पूरा का पूरा हरा भरा जूम हो जाएगा। अब देख सकते हो वहाँ से हम लोग अभी यहाँ तक आ गए थे। अभी मेरा जो सांस है एकदम बहुत लंबा, ये माउंटेन है, बहुत ऊंचाई पर है। एक्चुअली बात यह कि हम यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक गद्दा आपको दिखाई दिया और यहाँ पर एक जानवर रहता था। वो जानवर यहाँ पर है कि नहीं हम लोग वही देखने आए हैं, लेकिन आपने तो देखा है वो यहाँ पर जो हमारा जो कुत्ता है, कुत्ते ने चौंक के पता किया क्योंकि वहाँ पर जानवर कोई बगरा नहीं है और एक जानवर है। उस जानवर का नाम मुझे पता नहीं, और अगर वो जानवर होता हम वो गद्दा कूदते, कूदने के बाद उसको लेके जाते हैं क्या करने के लिए, बेजा पिराई बनाने के लिए। और फिलहाल नहीं है तो हम अभी दूसरी गद्दा ढूंढेंगे है कि नहीं जानवर, देखते हैं मिलता कि नहीं। अगर मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत अंधेरा है भाई, ये जो छोटा विभाग है यहाँ पर जो पानी है यहाँ फिल्टर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पानी है भाई बहुत नेचुरल है। अभी बोले तो ये नदी ना आपके उधर का पानी फिल्टर करके हाथ खाते हो आप लोग शायद, हाँ, लेकिन हम इधर हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे छोटा नदी से लेके जाते हैं और वहीं से ही और एक चुराई में रखेंगे, और चुराई में रखने के बाद हम लोग वहीं से पीते हैं पानी। Thank you.
हमारे लिए ये सब डेली लाइफ है, लेकिन आपके लिए एडवेंचर। अगर ऐसे ही एडवेंचर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप लोग जुड़े रह जाओ। ऐसे ही छोटा छोटा नदी घुमाऊँगा और यहाँ से बाहर यहाँ पर जो भी घूमना होता है ऐसे ही छोटा नदी और लगभग जंगल ही जंगल। आज का वीडियो है होगा जो शायद यही बस जंगल और छोटा नदी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, और जो हम मैंने आपको बोला था जानवर देखने आया था वो जानवर फिलहाल नहीं है, सिर्फ जंगल एक्सप्लोर करूँगा और कुछ देर बाद जब वापस जाएंगे। फिलहाल अभी हम बहुत जार पार कर लिए हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी कुछ भी मिला नहीं, ना बेम्बू सूट मिला है, ना जंगल का सब्जी मिला है, ना जानवर मिला है। बेकार का टाइम हो गया भाई आज। भाई ये देखो मच्छा है, बहुत सारा मच्छर है भाई। ये देखो यहाँ पर एक मच्छर है, यहाँ पर एक मच्छर है। जंगल में बहुत सारा मच्छर मिलता है और यहाँ पर भी मच्छर है, यहाँ पर भी। भाई देखो आसमान कैसा काला हो गया, अभी लगता है कुछ देर बाद बहुत बारिश आएगी। बिल्कुल मेरा चश्मा के जैसा है वो अपना। पीला रे कलर, काला रे कलर, ब्लैक कलर हो गया, इसका मतलब तूफान आएगा या फिर बारिश आएगा। देखते हैं भाई क्या आते हैं, अगर आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, ये ब्रिज इंडिया तो बांग्लादेश है। शायद बारिश आएगा। ये एक तरीके का सब्जी होता है, मालूम नहीं भाई इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। ये त्रिको संदेश, ये लगभग एक दो महीने के बाद सब्जी यहाँ पर आ जाएगा। ये है कुकुम्बर का साथ, और ये भी साथ कुछ फल का साग, और ये है कुछ आलू। मैंने आपको आसमान दिखाया था उस टाइम, आसमान
मतलब आसमान में बादल आ गया था, अभी बारिश, जैसे कि आपने देखा था बारिश हुआ रहा था, और उस टाइम हम लोग मामा के घर में थे, और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। फिलहाल हमको जंगल में कुछ भी मिला नहीं, और जो यहाँ पर कल के बेसमेंट में मामा लोग रहते हैं वो यहाँ से पानी खाते हैं, एकदम प्योर वाटर है। आज का वीडियो सिर्फ यही हुआ है कि जंगल को मैंने एक्सप्लोर किया है, और अभी मैं पहुंच गया हूँ घर। बस गाइस, इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कुछ रहिए, बाय बाय। अरे बाबा, अब आही मार बदल हाँ बोली हो नहीं, ये कुल्ला वीडियो सुपर से यानी बोला भाई, इसका नाम है ना गुंगा, गुंगा नहीं मदर सूट। इसका नाम हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो इसका नाम गुंगा होगा।